घर में हमेशा मतलब पास हो जाती थी, कभी नहीं भी होती थी, तो मेरा तो पूरा नीलबट्टे से नाटा था मैथ्स में। वेल टू, इतना खराब नहीं है। Well, very, because there was a time when we were shooting and I would actually wait for the weekend to see the show, and I want to wish the team all the best, and I'm so happy the entire team is together and they're doing another show, so congratulations. It depends, I guess, yes, because you individually know what you are endorsing, right? So definitely. Vistar mein bataiye sir, mujhe koi jab main koi kar lungi cheez endorse tab main uske bare mein baat karungi. I think it makes more sense. Aap mujhe apne chakron mein phasa rahe hain. No, definitely you need to be responsible. You need to take not only endorsements, I feel you need to take responsibility for whatever work you do generally in life, because people look up to you, you have a big impact लोगों की जिंदगियों पे, एज एक्टर्स आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. सो आई डेफिनेटली फील आप जो भी करें, एंडोर्समेंट हो, फिल्म हो, म्यूजिक वीडियो हो, जो भी हो, आपकी एक हल्की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, बट बाय द एंड ऑफ इट्स योर पर्सनल चॉइस. डेफिनेटली 110%. इनफैक्ट मैंने काफ़ी बार कहा है कि फिल्म लाइक दम लगा के हर्षा भी अगर कुछ साल पहले बनती, शायद ये नहीं होता जो हमारी फिल्म के साथ हुआ. हमें ऑडियंस बहुत ही बदल गई है. टुडे कंटेंट इज किंग. उनको अच्छा काम देखना, उनको अच्छी फिल्में देखनी, अच्छा टेलीविजन देखना है. सो डेफिनेटली बहुत ही इंटेलिजेंट होगी, क्योंकि एक्सपोजर अभी सबका सेम. आई थिंक सिर्फ स्टार बेस की बात नहीं है, जस्ट जनरली फिल्म, अगर कॉन्टेंट आपका आज के ज़माने में अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि बाहर इतनी हर जगह इतना अच्छा काम हो रहा है, यू हैव टू लाइक बी विथ इट. तो आई पर्सनली फील कॉन्टेंट इज किंग. आई थिंक नथिंग, एक होती है फिल्म बड़ी होना, एक होती है फिल्म हिस्टोरिक होना. है फिल्म, अगर आपके फिल्म में कंटेंट है वो हिस्टोरिक हो जाए. जी बताना चाहूँगी कि इट्स अ ब्यूटीफुल क्लासिक लव स्टोरी विद अ स्लाइट ट्विस्ट, एंड इट इज़ वेरी रेलेवेंट टू आवर जनरेशन, टू टुडेज टाइम्स, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई कांट वेट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल टू सी इट. संभव तो सिर्फ मेहनत के साथ होता है, जैसी दुनिया की या जिंदगी की कोई भी और चीज़ होती है. बहुत मेहनत लगता है, टाइम लगता है. आई थिंक मेंटली प्रिपेयर आपको रहना पड़ता है कि 2 महीने में या ओवरनाइट नहीं होगा. पेशेंस चाहिए, हार्डवर्क चाहिए और विल चाहिए. आप कुछ भी कर लेंगे. सर पता नहीं, उतना मैंने अभी तक किया नहीं. जब कभी अगर करूँगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी. या मेरी मम्मी अकेली खड़ी है यार. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. यू टू, बाय बाय.